वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 कॉमन बीमारियां जो महिलाओं में कॉमन ही हो गई है, हर किसी को हो जाती है, और इसको लेकर के जो महिला है वो अवेयर भी नहीं है, और अगर अवेयर भी है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेती है। तो वो कौन सी 5 बीमारियां जो कॉमनली अगर आप डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी फैमिली में, तो आपको कोई ना कोई इससे इफेक्टेड मिल ही जाएगी महिला। और ये इतनी कॉमन हो गई हैं कि इनको आप बीमारी मानने बंद कर दिया है। तो वुमेन्स हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा से लापरवाह रही हैं, और कभी पैसे की वजह से, कभी जो आपकी बीमारी है वो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है उसको लेकर बात नहीं करती हैं, इस कारण से ये उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं लेती हैं। तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो वो कौन कौन से 5 बीमारियां हो गई हैं जो कि कॉमन हो गई हैं, और ऐसा नहीं है कि इनका ट्रीटमेंट नहीं है, और बहुत आसान इनके ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन आपको उसके लिए चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइफ को इफेक्ट करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले हम बता देते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट जो जन्नत जुबैन ने पहना हुआ है, बटर क्रेप सिल्क का डिजिटल प्रिंट के साथ एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस वर्क के साथ में गाउन, जिनमें आपको माइक्रो इनर मिलेगा। गाउन की साइज अप टू 42 है, XL फ्री साइज में मिलेगा। फुली स्टिच गाउन है, 55 इंचेस का इसका लेंथ है। तो बॉटम में आपको बॉर्डर पर एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर मिलेगा, और अगर आप ये लेना चाहें तो ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी प्राइस है 1650। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि वुमेन्स में वो कौन कौन सी बीमारी हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI, जो कि महिलाओं की सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम है, और इसको लेकर के महिलाएं अवेयर भी नहीं रहती हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं लेती हैं। वो घर पर ही या तो वी वॉश यूज कर लेंगे, डिटॉल यूज़ कर लेंगे, या ऑइनमेंट लगा लेंगी, या कोई पाउडर लगा लेंगे, और बस इसको चलने देते हैं। और कई बार तो ये 2-3 महीने तक हो जाती है, और इसकी गंभीरता को भी महिलाएं नहीं समझती हैं, जब तक कि उनको जो उनकी रेगुलर की लाइफ है उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तब तक इसका ट्रीटमेंट भी नहीं लेती है, क्योंकि वह पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है तो किसी से डिस्कस भी नहीं करती हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि महिलाओं में सबसे कॉमन हो गई है। तो अगर आपको UTI इन्फेक्शन हुआ है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसका जो इन्फेक्शन है अगर अंदर की तरफ चला जाता है तो यह आपको कई तरह की और प्रॉब्लम दे सकता है, बच्चेदानी के मुँह का कैंसर भी इससे हो सकता है। दूसरी होती है PCOD, आप जिसको भी देखोगे PCOD से प्रभावित लड़कियां हैं, महिलाएं हैं। अब PCOD को लेकर के एक भ्रम है कि अगर PCOD है तो फिर उनको प्रेगनेंसी नहीं होगी, जबकि PCOD अगर ठीक हो जाता है तो उसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो इस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। तो PCOD मोस्टली होती है विटामिन डी की कमी से। अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं, तो ये इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, और इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी सबसे कॉमन हो गया है जो कि महिलाओं में देखी जाती है। नेक्स्ट होती है फॉलेट की कमी। हीमोग्लोबिन और DNA के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो इसका अगर कमी होती है तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी तरीके से UTI इन्फेक्शन जिन महिलाओं को है, उनको जलन, बदबू, इचिंग, बार बार पेशाब आना, इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। PCOD के सिम्टम की बात करें तो उनमें आपका जो पीरियड है इनरेगुलर रहता है, वेट बढ़ जाता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, या फिर मोटापा बढ़ जाता है। तो इस तरह के सिम्टम से आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है वो है वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन का मेन रीज़न होता है पर्सनल हाइजीन की कमी होना। तो पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर इस तरह के आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो कि आपको बैक्टीरिया, वायरस या फिर ईस्ट इन्फेक्शन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं।
जिसमें कि आपको टेस्ट करवाना होता है और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं, जो कि खाने के लिए भी हो सकती हैं और रखने के लिए भी हो सकती हैं, जो कि आपकी वेजाइनल एरिया में रखी जाती हैं। तो इसके अलावा आपको पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना होता है, जो आपकी पैंटी है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, जो क्लॉथ है उस पर इलास्टिक और उसका जो टाइम पीरियड है, उन सब का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ में आपका जो मेंसन टाइम हो, उस टाइम पर भी बहुत सारी महिलाएं हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं, जिसके कारण से ये हो जाता है, या फिर आप पब्लिक एरिया में टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो भी ये हो जाता है। तो ये भी बहुत कॉमन हो गया है और इसको आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो होता है फाइब्रोडिनोमा। फाइब्रोडिनोमा क्या होता है, जो आपके ब्रेस्ट होते हैं उनमें गठाने बच जाती हैं, तो ये गठाने जो होती हैं नॉन कैंसरस होती हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होती है। तो महिलाओं के ब्रेस्ट में ये गठाने हाथ लगाने पर, छूने पर महसूस होती हैं और ये कभी कभी आकार में बढ़ने लगती हैं, तो इसे ही हम फाइब्रोडिनोमा कहते हैं। इसके लिए कई महिलाएं सर्जरी तक करा लेती हैं, जो कि ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपकी गठान बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसमें किसी तरह का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, किसी तरह का दर्द नहीं है, तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर आप इसका सर्जरी करवा भी लेते हैं तो ये दोबारा हो सकती है, लेकिन रेगुलर चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइब्रोडिनोमा होने के रीज़न क्या होते हैं, क्योंकि महिलाएँ जो होती हैं उनकी लाइफ में हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो उतार चढ़ाव महिलाओं में चलते रहते हैं, कभी प्रेगनेंसी है, कभी मेनोपॉज है, कभी आपका प्यूबर्टी एज है, या फिर आपकी मैरिज हुई है, या फिर आपके किसी भी रीज़न से हॉर्मोन्स के उतार चढ़ाव होते हैं, ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो ये फाइब्रोडिनोमा बन जाते हैं। और इनको आपको ठीक करने के लिए सिंपल सी आप इनकी मसाज करें ब्रेस्ट की, या फिर आप ऑयल के साथ में इनकी मसाज करते हैं तो ये धीरे धीरे करके घुल जाते हैं, या फिर आप इनकी शिकायत भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आजकल की जो कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस में, उसमें सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आ रही है वो है मिल्की डिस्चार्ज होना या ब्रेस्ट का डिस्चार्ज होना। तो ये महिलाएं हो, बच्चियां हो, एज कुछ भी हो, या आपकी प्री मेनोपॉज चल रही है, या फिर आपकी एज 18 के बाद हो गई है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर वीडियो में ये कमेंट्स आ रहा है कि ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा है, जो वाइट हो सकता है, पानी जैसा हो सकता है, हल्का पीला या ब्राउन हो सकता है, तो ये क्यों हो रहा है। तो ये होता है हॉर्मोन्स के इम्बेलेंस की वजह से, या फिर जो आपका प्रोलैक्टिन का लेवल है वो बढ़ गया हो, तो ये इस तरह का डिस्चार्ज होता है। इस पर प्रीवियस में पूरी वीडियो में बना चुकी हूँ। इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, जिससे आपका प्रोलैक्टिन का लेवल टेस्ट किया जाता है और इसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी तरह का डिस्चार्ज अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक बना रहता है तो वो उसके रीज़न कुछ और भी हो सकते हैं और कैंसर भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए।